फैसला उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हटाए गए। डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम बने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हटाए गए हैं और डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हटाए गए हैं, अब उनकी जगह डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अब डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, इस वक्त की बड़ी खबर है, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हटाए गए हैं, उनकी जगह डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। तो केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला लिया गया है, उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हटाया गया है और उनकी जगह पर डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम बनाए गए हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हटाए गए हैं, उनकी जगह पर अब डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। तो केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हटाया गया है और उनकी जगह पर अब डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। तो यह बड़ा फैसला केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है, डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम अब उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। देहरादून से इस वक्त की यह बड़ी खबर है, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ वजह रही? देखिए, जो डॉक्टर वी षणमुगम हैं वो अभी तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे यहाँ उत्तराखंड के, और चूंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, एक तरह से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जैसा पद होता है वो, और इस समय चूंकि जब लोकसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं, बिल्कुल आचार संहिता 15-20 दिन में लागू हो जाएगी, तो उससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हटाना कोई एक ये साधारण फैसला नहीं है। और इसकी पृष्ठभूमि में जो देखा जा रहा है, चूंकि जो पिछली बार जो चंपावत में उपचुनाव था जब मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहे थे, तो वहां इन्होंने काफी सख्ती दी थी और ऑब्जर्वर की और इनकी शिकायत भी उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से की थी। वैसे षणमुगम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही यहां शानदार रहा है और कभी किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं लगे हैं। उनको यहां नौकरशाही में भी बहुत ईमानदार अधिकारियों में उनकी गिनती होती है, लेकिन अचानक यह फैसला आया और उसको अब उस उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है जिस उपचुनाव में मुख्यमंत्री जीत कर आए थे, लेकिन उसको फासला काफी हो गया है। उसी समय कुछ शिकायतें थी कि उन्होंने बहुत सख्ती की है, बहुत ऐसा कुछ किया है, और तलाशी होटल और गाड़ियों की तलाशी में बहुत सख्ती हो गई थी। एक ऑब्जर्वर आपको याद होगा कि बिहार से आए थे, उन्होंने भी बहुत सख्ती की थी, तो तब भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही शिकायतें कर दी थी लिखित में। तो अब लेकिन चुनाव से एन पहले ये सब होना ये साधारण बात नहीं है, एक असाधारण एक आदेश आया है चुनाव से। इस तरह से बिना किसी आधार के कभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव से पहले कभी नहीं हटाया गया है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है यहाँ ब्यूरोक्रेसी में, जहां डीएम भी रहे हैं, अपर सचिव सचिव भी रहे हैं, तो मतलब इनका अच्छा रिकॉर्ड है, इनका कभी विवादित नहीं रहे हैं। और ईमानदारी के मामले में तो रेखा आर्य से जब उनके मंत्रालय में ही किसी काम को करने से मना कर दिया था, काफी एक भिड़ंत हो गई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल की ये बात है, तब एक काफी बड़ा बवाल हो गया था, लेकिन ये झुके नहीं थे, इन्होंने उस काम को करने से साफ मना कर दिया था। अब डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम की जिम्मेदारी दी गई, बीबीआरसी पुरुषोत्तम भी यहाँ शासन में सचिव हैं और बढ़िया रहा है, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला लिया गया है और डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम अब उत्तराखंड के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए, उनके एक्सपीरियंस का कितना फायदा उत्तराखंड को मिलेगा, साथ ही साथ केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से चूंकि ये फैसला लिया गया है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह तो रही होगी।
नहीं देखिए, मैं आपको फिर बता देता हूँ, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जो एक तबादले की जो एक एक लाइन का एक ऑर्डर आया है कि इनकी जगह ये रहेंगे, यानी षणमुगम की जगह वीवीआरसी पुरुषोत्तम को मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड बनाया जाता है, उसमें किस तरह का कोई आधार नहीं लिया गया है। और तभी मैं कह रहा हूँ कि पृष्ठभूमि में जो चीजें हैं उनसे जोड़कर एक कयासबाजी है, कटकले उनको देखा जा रहा है। और वीवीआरसी पुरुषोत्तम का भी एक व्यापक अनुभव है, और देहरादून और उधम सिंह नगर उत्तरकाशी से लेकर कई जिलों के डीएम रहे, गढ़वाल के कमिश्नर रहे हैं, और इस समय शासन में सचिव है, कई विभागों के सचिव हैं, उनका उनके पास अच्छे महत्वपूर्ण विभाग भी है, एनिमल हस्बेंड्री और कोऑपरेटिव जैसे विभाग हैं उनके पास, तो उनके भी अनुभव का लाभ यहाँ इलेक्शन कमीशन से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज शनिवार है, और या तो आज ही और नहीं तो सोमवार को वीवीआरसी पुरुषोत्तम अपना चार्ज ले लेंगे। जी ठीक है जी, तो आप हमारे साथ लगातार बन रही, आगे भी आपके पास हम आएंगे। तो बढ़ते आगे, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। यूसीसी विधेयक पर लग सकती है मुहर, बड़ी खबर, विधानसभा सत्र में लाया जाएगा विधेयक, 6 फरवरी को सदन में पेश होगा यूसीसी का बिल। इस वक्त की बड़ी खबर, आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होनी है और बैठक की बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, शाम 4 बजे यह बैठक होनी है, और बैठक में यूसीसी विधेयक पर माना जा रहा है कि मुहर लग सकती है और विधानसभा सत्र में यह विधेयक लिया जाएगा, 6 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा यूसीसी का। और अजीत राठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आज की कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, खासकर यूसीसी को लेकर। जी बिल्कुल, 4 बजे राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, और मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के आ जाने की उम्मीद है। और इसी बैठक में, इसी मंत्रिमंडल की इसी बैठक में, जो कल जो यूसीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, यूसीसी की जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श होना है, और उम्मीद की ये की जा रही है कि मंत्रिमंडल की आज मंजूरी मिल जाएगी इस रिपोर्ट को, और इसको विधानसभा सत्र में पटल पर रखने की एक मंजूरी कैबिनेट से आज मिल जाएगी। कैबिनेट में इस पर व्यापक विचार विमर्श होना है, और ये कल ही एक अंदाजा लग गया था कि आज जो कैबिनेट है वो विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया उसमें रखे जाने वाले एजेंडों के लिए बुलाई गई है, और लेकिन उसमें यूसीसी एक मुख्य एजेंडा है, और इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 4% क्षतिज आरक्षण देने का भी एक मामला आज मंत्रिमंडल में रखा जाना है, चूंकि वो पहले भी प्रवर समिति में था, उसको भी विधानसभा से पास कराया जाना है। लेकिन जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, जो विधेयक के रूप में सदन के भीतर रखी जाएगी, और फिर उस पर 2-3 दिन तक व्यापक चर्चा होगी। और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कह चुके हैं कि 6 फरवरी को इस रिपोर्ट को टेबल्ड किया जाएगा, और उसके बाद फिर इसको ध्वनिमत से पारित कराया जाएगा। विचार विमर्श के बाद सरकार कह रही है, लेकिन संख्या बल सरकार के पास काफी है, और इसमें अगर विपक्ष अगर कुछ नानुकुर भी करेगा तो सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर गेम उनके पक्ष में है। तो इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उस पर मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करेंगे, और